दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह आज आपको बेहद खास तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यही है वो तस्वीर, मौजूदा लोकतंत्र की जीती जागती तस्वीर है ये। जमीन पर लोक और गद्देदार कुर्सी पर तंत्र, जमीन पर दीनहीन अवस्था में बैठा एक लाचार बुजुर्ग और उसके सामने कुर्सी पर आराम फरमाती अफसरशाही। मोदी सरकार की माननीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी के संसदीय क्षेत्र अमेठी की तस्वीर है ये। बुजुर्ग जिले के तिलोई तहसील के रहने वाले हैं। अपने जमीन पर कब्जे के एक मामले की शिकायत लेकर जब ये वहां के अधिकारियों के पास पहुंचे तो उन लोगों ने इनके साथ जो सलूक किया वो आपकी आंखों के सामने है। आज के लाचार लोकतंत्र की इससे ज्यादा जीवन तस्वीर कुछ और हो ही नहीं सकती। स्मृति जी, आपके कार्यकाल में आपके संसदीय क्षेत्र के एक बुजुर्ग को आपके सिस्टम ने जो सम्मान दिया है वो अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है, युगों युगों तक याद रखे जाने वाला है। स्मृति जी, मेरी दरख्वास्त है कि आप इस तस्वीर को फ्रेम में सजाकर अपने सुसज्जित ड्राइंग रूम में रखिए, अपने मंत्रालय की दरों दीवारों के इससे सजाइए। रोज सुबह शाम गर्व से सिर ऊंचा करके खुद इस तस्वीर को देखिए, अपने खास मेहमानों को दिखाइए और उन्हें बताइए कि आपने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के एक सम्मानित बुजुर्ग को किस अंदाज में अपने सिस्टम से सम्मान दिलाया है। स्मृति जी, इस तस्वीर को आप अपने और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को जरूर दिखाइएगा। गृहमंत्री श्री अमित शाह जी उनके बेहद खास हैं, उनको भी दिखाइएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों आपको इस तस्वीर के लिए जरूर बधाई देंगे, आपकी तारीफ करेंगे कि आपने कितने सम्मान के साथ अपने संसदीय क्षेत्र के एक बुजुर्ग को अफसरों के द्वारा जो तस्वीरें आई हैं उससे उसको सम्मानित किया गया। इस कृत्य के एवज में आपको देश के सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से नवाजा भी जा सकता है। आपको वो अफसरशाही भी तारीफ की हकदार है जिसने लोग को उसकी औकात बताते हुए जमीन पर बिठा कर रखा था। बस शरारत उस पत्रकार ने कर दी जिसने इस तस्वीर के साथ आपके सम्मान पर सवाल खड़ा कर दिया। अच्छी बात है कि वो पत्रकार अब आपके संसदीय क्षेत्र के डीएम साहब के निशाने पर आ चुका है। डीएम राकेश कुमार मिश्र ने जयप्रकाश पांडे नाम के उस पत्रकार पर उचित कार्रवाई का संकेत देते हुए कहा है कि तहसील तिलोई जो कि अमेठी जिले में है, तहसील तिलोई में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान शिकायत लेकर आए बुजुर्ग को पत्रकार जयप्रकाश पांडे द्वारा सभागार में जमीन पर बिठा कर लिया गया फोटो वायरल किया गया। जैसा कि फोटो देखने से स्पष्ट है कि बुजुर्ग कैमरे की तरफ देख रहे हैं। बुजुर्ग को वहां से उठाकर तत्काल कुर्सी पर बैठाया गया, ये कहा डीएम साहब ने। अब खबर पर आगे बढ़ते हैं। स्मृति जी, कायदे से देश को आपके डीएम साहब की सफाई पर यकीन कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि माननीय डीएम साहब जो उन्होंने बात कही है, उन्होंने अपने पिता के उम्र के शख्स को वाजिब सम्मान दिया था। लेकिन आलोचकों की उस बिरादरी का क्या किया जाए जो खबर के हर पहलू पर नजर जमाए रहते हैं। डीएम साहब की सफाई के साथ बुजुर्ग की वो तस्वीर सामने आ गई जिसमें वो कैमरे की तरफ नहीं बल्कि सामने की तरफ देख रहे हैं। साथ ही सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अगर वाकई अमेठी प्रशासन ने बुजुर्ग को कुर्सी पर बिठाया था तो कुर्सी पर बैठे बुजुर्ग की एक भी तस्वीर क्यों नहीं है। आपकी शान में गुस्ताखी जयप्रकाश पांडे नाम के वो पत्रकार भी कर रहे हैं जिन्होंने डीएम साहब की सफाई पर ही सवाल उठाते हुए कहा है। और सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अब वो डीएम हैं, सक्षम अधिकारी हैं, वो जो चाहे लिख सकते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, हम ऐसा क्यों करेंगे, कोई पत्रकार ऐसा करता है क्या? आप ही बताइए कि क्या कोई पत्रकार इतने अधिकारियों के सामने, इतने अधिकारियों के बीच बुजुर्ग को बिठाकर फोटो ले सकता है? सवाल तो वाजिब है, वहां बोल भी सकते थे अधिकारी लोग।
स्मृति जी, अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है, आप अपना जवाब जरूर बताइएगा। बाकी मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह इस तस्वीर के लिए आपको एक बार फिर से बधाई देता हूं। अपने संसदीय क्षेत्र के एक बुजुर्ग को जो सम्मान पहले कार्यकाल में कर दिखाया, वो कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी 4 बार सांसद रहने के बावजूद भी नहीं कर पाए थे। नमस्कार।